ये ले जनाब, ये है हमारा जरदा। जरदे वाले चावल हमने आज बनाए हैं, बड़े ही मज़े के बने हैं, बड़े ज़बरदस्त बने हैं। तो आप लोग भी इसी रेसिपी को ट्राई करें और इसके मुताबिक बना के मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका ये चावल बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाने जा रहे हैं 4 गिलास जरदे वाले चावल। तो जरदे वाले चावल बनाने के लिए हमने पानी ले लिया है। ये पानी लेने की कोई पाबंदी नहीं है कि 4 गिलास के लिए आपने कितना पानी लेना है। सिर्फ चावल थोड़े से कच्चे रहने चाहिए, आपने बॉयल करने हैं, वो पानी आप जितना मर्ज़ी ले लें। तो पानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है। सबसे पहले इसमें मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालूँगा ताकि चावल हमारे आपस में जुड़े ना और अलग अलग रहें। अब ये मेरे पास जर्दे रंग की एक पूड़ी है, तो 4 गिलास चावल में ये तकरीबन काफ़ी होगी। रंग ज़रा तेज़ आ जाएगा। ये सारी पूड़ी मैं जर्दे रंग की इस पानी में डाल देता हूँ। ये रंग ज़रा थोड़ा तेज़ बनेगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है आप कितना बनाना चाह रहे हैं। तो जर्दा रंग डाल के मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊँगा ताकि पानी सारे में रंग जो है वो मिक्स हो जाए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा और रंग डालना चाहिए, लेकिन मैं इसी को लेके चलूँगा और रंग मैं इसमें नहीं डालूंगा। अब हम पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। ये ले जी, 4 गिलास चावल हमने भिगो लिए हैं। भिगो के मैंने इसमें से पानी उतार दिया है और मैं ये चावल इसी तरह एज इट इज़ इसके अंदर डाल देता हूँ। ये बड़ा गर्म है, ध्यान से आपने चावल डालने हैं। उबलते हुए पानी का कोई कतरा, कोई छींट आपके जिस्म पर पड़ गई तो वहाँ से स्किन उड़ा के ले जाएगी। अब मैं इसको भी साफ़ करके डाल देता हूँ। ये देखिए, इस तरह आपने साफ करना है और साथ साथ इसमें डालते जाना है। ये देखिए इस तरह। चावल डाल के एक दफ़ा उनको इस तरह हिला दें। तो हिला के अब चावलों को आपने तकरीबन 80% पकाना है। एक कली आपने रखनी है, फिर हम चावलों से पानी निचोड़ देंगे। ये रे जनाब, हमने इसमें जर्दा कलर डाला। कलर मैंने थोड़ा तेज़ किया है क्योंकि मुझे कलर हल्का लग रहा था। तो अब ये देखें, चावलों में कलर आना शुरू हो गया है। जूँ जूँ चावल पक के फूलते जाएंगे, इनमें ये कलर ज़्यादा आता जाएगा और इंशाल्लाह ये बड़े अच्छे कलर वाले चावल बनेंगे। हम लोग इसके ऊपर ढकना दे देंगे ताकि चावल पकने में और पानी बॉयल होने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, ये चावलों को एक उबाल आ गया है। अब मैं अगर चेक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं, चावल तकरीबन 80% पके हैं। 100% नहीं पकाने आपने, और चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसका पानी निचोड़ेंगे और बाद में इसके लिए शीरा तैयार करेंगे। ये लें जनाब, चावल हमने बॉयल होने के बाद एक छानने में, एक ऐसे बर्तन में डाल लिए हैं जिसके नीचे सुराख है और इनमें से पानी निकल गया है। अब हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो आप देखिए कि क्या प्रोसेस है। अच्छा जी, चावल तैयार करने के लिए 4 गिलास चावलों में मैं 1 कप कुकिंग ऑयल डाल लेता हूँ। ये हमने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला और इसमें ये 10 अदद सब्ज़ इलायची खोल के मैंने डाल दी हैं, और 11वीं इलायची खोल के आपने मुंह में डाल लेनी है ताकि आपके मुंह से, आपकी बातों से भी खुशबू आए। अब इसके अंदर हमने उबाल आने का इंतज़ार करना है। इसको एक दफ़ा उबालना है, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तड़के को ख़त्म करेंगे। तो तब तक आप लोग ज़रा वेट करें। अच्छा जी, जो इलायचियाँ हमने डाली थी उनका छिलका ब्राउन हो गया है। अभी हम ये करेंगे कि तड़के में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके ऊपर से पानी डाला मैंने और मैंने इसको हिला दिया। अब इसकी आँच मैं बिल्कुल आखिरी नंबर पे कर दूंगा, बिल्कुल इंतहाई हल्की आँच पे। आपने अब इसको पकाना है। अगला जो प्रोसेस है वो बड़ा सेंसिटिव है। इसमें अब हम डालेंगे नेक्स्ट चीनी। तो 4 गिलास चावलों के लिए इसमें मैं 3 गिलास चीनी के डालूंगा। ये 1 गिलास हो गया। गिलास आपने वही लेना है जिससे चावल मैयर किए हैं। ये हो गए जी 2 गिलास और ये हो गए 3 गिलास।
तो दोस्तों अब इसको इंतहाई हल्की आँच पे आपने पकाना है। ऑयल है, पानी है और उसमें हमने चीनी डाल दी है। इसको जितनी हल्की आँच पे चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे उतना ही अच्छा है। अगर आप चूल्हे का फ्लेम तेज़ करेंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल थोड़ा रह जाएगा और चीनी जम जाएगी और आपके चावल और जो सारा ये मसाला है ये ब्लैक हो जाएगा, चावल आपके काले हो जाएंगे। जितनी हल्की आँच पे आप चीनी को इसमें मिक्स करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, उतने अच्छे आपके चावल बनेंगे। ये देखें चीनी इसमें आहिस्ता आहिस्ता हल होनी, डिज़ोल्व होनी शुरू हो गई है। ऑयल भी अभी तक जो है वो ठीक है और पानी भी काफ़ी हद तक मौजूद है। हल्की आँच पे इसको हिलाने का ये फ़ायदा है। ये काम ज़रा टाइम टेकिंग है लेकिन अगर आप ये काम तसल्ली से नहीं करते तो आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। ये रहे जी, चीनी मुकम्मल तौर पे इसमें डिज़ोल्व हो गई है और चीनी डिज़ोल्व होने के बाद ये देखें झाग बनना शुरू हो गई है। जब ये झाग बनना शुरू हो जाए तो थोड़ी देर बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। ये रहे जी, ये इसकी चाशनी चेक करें, चाशनी गाढ़ी हो गई है। ये देखें चाशनी डायरेक्ट इसके ड्रॉप्स तार बन के इसके ड्रॉप्स गिर रहे हैं और ये सारी झाग आ गई है। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। अब हम इसकी आँच कम कर देंगे और इसको अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि शीरा जो हमने बनाया है वो सारे चावलों को अच्छी तरह से लग जाए। ये ले जनाब, ये है हमारा जर्दा। जर्दे वाले चावल हमने आज बनाए हैं, बड़े ही मज़े के बने हैं, बड़े ज़बरदस्त बने हैं। तो आप लोग भी इसी रेसिपी को ट्राई करें और इसके मुताबिक बना के मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपका ये चावल बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। दोस्तों इसमें सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, इस वीडियो में दम लगाने की और ड्राई फ्रूट ऐड करने की जो वीडियो है वो मैं ऐड नहीं कर सका। जब आपने दम लगाने लगना है, दम लगाने से पहले जो भी चीज़ें आप इसमें डालना चाह रहे हैं, गरी डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, बादाम भिगो के उनका छिलका उतार के डाले जाते हैं, छुहारे भिगो के काट के डाले जाते हैं वो आप डाल सकते हैं। जब आपने दम लगाने लगना है तो दम के लिए जब चावल रखें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट बिछाएं और उसके ऊपर कपड़ा लगा के दम लगा दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसका दम लगाना है। वीडियो का ये पार्ट शूट होने से रह गया था, मैं इसको शामिल नहीं कर सका, लेकिन आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़रदा बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। अभी अगली वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।